तो दोस्तों, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSS वर्सेस जैसे ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टेटस, रेसेंटली परफॉर्म और जो कि बहुत कुछ, ठीक है। जो कि BSS से न्यूज़ क्या है और JJ की न्यूज़ क्या है, यानी कि कौन सा प्लेयर अच्छा है और कौन सा खराब, किसको हमें लेना है, किसको नहीं लेना है, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियोज़ में जानेंगे। तो भाई, आपको वीडियोज़ के साथ इन तक ज़रूर बने रहना है, वीडियोज़ को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। और मैं यहाँ पर बता दूँ भाई कि आपको जो कि बहुत हेल्प मिलने वाली इस वीडियोज़ से। तो अपने छोटे भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम MD दिलसाद। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, ये मैच जो कि कल खेला जाएगा, 19 मई को खेला जाने वाला है और यहाँ पे हांगकांग प्रीमियर लीग चल रहा है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। और जो कि यहाँ पे बात करेंगे ग्राउंड की, तो भाई जो कि विनिटिंग ग्राउंड है और जो कि रिक्रिएशन ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो कि नाम है यानी कि ग्राउंड का जिसपे मैच खेला जाने वाला है। और बात करें तो भाई पिच रिपोर्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्प की भाई, कि मैंने इंग्लिश को यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया और आपके सामने रखा, जिससे कि अगर आपके यानी कि पास मेरे को सुनने का टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई कि आपकी आवाज़ जो कि हमें समझ नहीं आता, आप बहुत फास्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों रख दिया है, जिससे कि आप आसानी से अपने हिसाब से आराम से वीडियोज़ को देख करके समझ पाएं, ठीक है, कि करना क्या है, आपको किस प्रकार से टीम को बनाना है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि ये हांगकांग का सबसे पुराना मैदान है, ठीक है, जहाँ पे मैच खेला जा रहा है। जो कि यहाँ पे इस पिच में, इस ग्राउंड में जो कि स्पिनर को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और जो कि फर्स्ट इनिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग वाले जो कि 113 रन तक बना सकते हैं, और जो कि दूसरी पारी की बात करें तो यहाँ पे 98 स्कोर रहता है जो कि इस ग्राउंड में। ओके भाई, आप समझ सकते हैं कि पहले जो कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो मैच उसका ही होता है, और जो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करता है उसका ही मैच होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे वेदर रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो कि मंगलवार को, यहाँ पे बता दूं कि आपको जो कि 66% जो कि यहाँ पे बादल रहेंगे, ठीक है, यानी कि बादल रहने की संभावना है भाई, बारिश नहीं होगी पर बादल रहेंगे, और जो कि 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो कि कुछ खास है नहीं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। अगर जो कि पहले बल्लेबाजी करता है इस प्रकार के वेथर में, यानी कि इस प्रकार के मौसम में, तो जो कि बल्लेबाज होंगे उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी और स्पिनर के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है इस प्रकार की जो का वेथर है, यानी कि इस प्रकार का मौसम जो है, ठीक है। और भाई फैंटास्टिक क्रिकेट टिप्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों टीमें जो कि बहुत ही आपस में जानी मानी हुई है, कि सारे के सारे प्लेयर जो कि इस ग्राउंड पे खेलने वाले हैं और सारे के सारे खिलाड़ी जो कि ओल्ड ही हैं, ठीक है, पुराने ही हैं, और जिनमें इनको सारे के सारे खिलाड़ी यानी कि बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर सबको नॉलेज है इस पिच के बारे में अच्छे तरीके से। और बता दूं भाई यहाँ पे कि जो कि फैंटास्टिक क्रिकेट जो कि मेरी टिप्स क्या रहेगी, तो आप यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर भाई यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर ही कमाल दिखाते हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पे सबसे जो कि हाईएस्ट प्लेयर अगर आपको बता दूं तो कैरी चैन, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाला प्लेयर है, जो कि आपको अपने टीम पे रखना है कैरी चैन को। ओके, और भाई जो जो कि JJ की स्क्वाड की बात करें तो कि जो जो प्लेयर है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो कि प्लेयर मिलते हैं भाई, जैस्मिन टिटमस जो कि कैप्टन है, और मैरिको हिल और टिनास कैरबरी, राइडर हेल्डर, टेमिचू पोएल टू और केनो गिल, कैटी गिबोन्स, एकरा शहर और बेटी चैन, अश्ले हंग। तो यहाँ पे ये प्लेयर जो कि आपको देखने को मिल रही है जो कि JJ के हैं, ठीक है, जो कि कल के मैच में शायद आपको ये सारे के सारे प्लेयर जो कि अनाउंसमेंट दिखेंगे। ओके, जो कि JJ यहाँ पे हारती है तो टीम जो कि बाहर हो जाएगी, ठीक है, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर JJ हारती तो यहाँ पे टीम बाहर हो जाएगी। और जो कि यहाँ पे बता दूं टिटमस, जो कि टिटमस को सभी लोग देखेंगे, क्योंकि टिटमस कैप्टन है यहाँ पे इस टीम के, तो ज्यादातर निगाहें टिटमस के ऊपर लोगों की रहेगी, और टिटमस को हो सकते हैं भाई लोग जो कि कैप्टन यहाँ पे बना सकते हैं ड्रीम इलेवन पे। ओके, दूसरी टीम की बात निकल लेते यहाँ पे BSS की स्क्वाड की, तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर आपको मिलने वाले, यहाँ पे BSS स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पे आपको कैरी चैन जो कि कैप्टन इस टीम के, आपको बताया हूं कि कैरी चैन जो कि सबसे बेस्ट प्लेयर जो कि ड्रीम इलेवन में शायद है इन दोनों टीमों में, तो यहाँ पे और भी आपको जो कि BSS में मिल जाते हैं, कोनी वोंग और सहजीन सहजाद जो कि मिल जाते हैं, और जेनिफर डिवाइस, रुशिता वेंकटेक्स, मरियन बेबी और महीन हैदर, और जेनिफर अलम्बो, जसविंदर कौर, एमआलआई, औद्रता चैन, अमंदा चैंग और लिशन शिव एंड अनुम अहमद। तो ये सारे के सारी जो कि प्लेयर आपको टीम में मिल जाती है यहाँ पे जो कि स्क्वाड है, ठीक है, BSS का। और न्यूज़ की बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे सारा कुछ मैंने दिया है आपको हिंदी और इंग्लिश, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सारा कुछ समझा करके, बता देता हूँ कि जो कि ये BSS की टीम है, तो यहाँ पे ये BSS की टीम लास्ट में आके हार जाती है मैच को, जो कि मैं आपको बता देता हूँ भाई।
और यहाँ पे जो कि इस टीम में जो कि अगर आपको देखना है किसी को तो वो देखना है आपको यहाँ पे जो कि रुचिता वेंकटेश के ऊपर आप जो कि नजर रखना है आपको अपने टीम में देना है, और कैरी चैन को जो कि आपको देखना है, ठीक है। कैरी चैन हो सकता है यहाँ पे अच्छा खेलें, अगर खेलते हैं ये दोनों प्लेयर खेलते हैं तो काफी बढ़िया जो कि यहाँ पे मैच निकाल सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज जो कि ये प्लेयर हैं अगर नहीं खेलते अच्छा तरीके से तो मैच फिर से हार जाएंगे, ठीक है। और भाई यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कि हम यहाँ पे दोनों के ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की बात करें और जो कि आपको कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी किसको देने तो बात करता हूँ, यहाँ पे आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है, और हिंदी पे भी यहाँ पे आपको लिख करके दे दिया मैंने जिससे कि आपको आसानी हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाए। कैरी चैन की बात करें तो कैरी चैन ने जो कि पिछले जो कि मैच में यहाँ पे देख सकते हैं 44 में 70 रन जो कि नाबाद बनाए थे विदाउट आउट हुए और 100 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है भाई। और तो भाई भाई बढ़िया ही प्लेयर है जो कि आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से कैरी चैन को आपको अपने टीम पे रखना है। बॉलर की तो मरियम बेबी जो कि काफी बढ़िया प्लेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 विकेट इन्होंने लिए थे 35 ओवर के मैच में, तो काफी बेटर है यार आप लोग सोच समझते हैं। और इनका जो कि ओवर प्रति ओवर बात करें तो जो कि यहाँ पे ये जो 4.93 जो कि रन देती हैं कि 5 रन, ठीक है, एक ओवर में, तो काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया प्लेयर जो कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने को मिल रहे हैं, ठीक है। मरियम बेबी तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है, कुछ आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहां पे चलेंगे। और तो भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं विकेट कीपर जो कि आपको रख लेना है एच विंग को, और या तो जो कि आप एक्स्टर और खरबड़ी को जो कि बैटर्स में रख सकते हैं, और उन्हें जो कि आपको यहाँ पे हिल ले लेना और ट्रीटमेंट लेना है, और या तो मरियम बेबी और किम वांग, और बॉलर्स में चान को आपको लेना, होंग और सीओ को ले लेना, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं भाई यहाँ पे इतने कम दिए, तो यहाँ पे हेड टू हेड के मिलिए मैंने बताया, ठीक है, हेड टू हेड अगर आप खेलते हैं तो, और जो कि जीएल खेलते हैं तो भाई टीम चल के हम बनाते हैं उस पर आप देख सकते हैं, और उस प्रकार से आप ये जो कि प्रेडिक्शन और न्यूज और यहाँ पे मैंने प्लेयर स्टेटस बताया तो उस प्रकार से आप अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं भाई। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन को ओपन करते हैं और आसान वीडियोस को बनाते हैं। और भी इस प्रकार से मैंने बताया कि आपको चंग को इंग चंग को ले लेना है विकेट कीपर में, भाई यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं कि आपको और भी बोरिंग लगे। अगर भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, एक रिक्वेस्ट है, और कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसी है भाई, ठीक है, और क्योंकि बहुत हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और वेंकटेश के ये मैंने बताया था जो कि आपको सलाह दी थी तो उस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और भाई गिबोन्स भी काफी बढ़िया प्लेयर है डायरेक्टली जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सेलेक्ट करने के लिए, और इनका रिसेंटली परफॉर्म भी इस साल है नहीं तो कुछ खास बता नहीं सकता, बट मैंने जिस प्रकार से न्यूज दी तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो यहाँ पे इनको भी रख लेना है तो जो कि आपको बता देता हूँ जसविंदर कौर को, तो ये भी काफी बढ़िया ही प्लेयर खेलती हैं और अच्छा खासा रन बनाती हैं। और यहाँ पे करबारी को भी आपको लेना है, करबारी भी काफी बढ़िया खेलती हैं टीनाश करबारी, तो आपको रखना है बैट्समैन में, ठीक है। और जो कि मैंने बताया था ऑलराउंडर बॉलर में आपको जाना, तो यानी कि हेड टू हेड अगर खेलते हैं तो आपको ऑलराउंडर और बॉलर में ज्यादा ध्यान देना, बैट्समैन कम लेने आपको, बट जीएल खेलते हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप जो कि ऑलराउंडर बॉलर बैट्समैन जो कि ध्यान रखना है, ठीक है। या तो आप जैसे यहाँ पे टॉस होता है भाई, और टॉस होने के बाद आफ्टर अनाउंसमेंट होता है तो जैसे कि लिख के आ जाता है ड्रीम इलेवन पे किसने टॉस जीता है, या तो आप यहाँ पे पिन करते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफाई करा जाता है यहाँ पे स्ट्राइक कितने टाइम, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर जो बैटिंग करते हैं तो भाई आप बैट्समैन ज्यादा ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर बैटिंग पहले होती है तो जो बैट्समैन होते हैं वो काफी अच्छा रन मारते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से आपको करना है। और भाई ऑलराउंडर में हिल की बात करें तो हिल जिसको मैंने बताया तो रख लीजिए आप अपने ऑलराउंडर में हिल को, तो आपको सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे ओम भी काफी बढ़िया है, और टिटमस जो कि कैप्टन है जो कि मैंने बताया था, तो टिटमस को भी आपको ले लेना है भाई, और जो कि मैंने आपको बताया था चरिकैन को, तो वो भैया कहाँ मिलेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, एक जो कि यहाँ पे फर्स्ट में बॉलर में, ठीक है, कैरी चैन मिल जाती है आपको, कैरी चैन तो आपको ले लेना कैरी चैन को, और काफी बढ़िया ही बॉलिंग करती हैं तो आप ले लीजिए इसको, ठीक है, और कैप्टन भी है ये अपनी टीम की। तो भाई जे तो और भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कि हमारे सामने मिल जाती है बेटी चैन, तो यहाँ पे ये भी काफी बढ़िया है। और उसके बाद जो कि आप सोच रहे हैं कि किसको लें भाई, यहाँ पे जैसे कि मैंने हंग को बताया था, या तो आप सीयू को ले सकते हैं, असली हंग को ले सकते हैं, या तो सीयू को ले सकते हैं, काफी ज्यादा ऑप्शन आपके सामने, तो आप उस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं चैन को, और उसके बाद जो कि हंग को ले लेते हैं, ठीक है, या तो आप सीयू को ले लीजिए, तो काफी बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी टीम होगी, और कैप्टेंसी जो कि मैंने आपको बताया था किस प्रकार से रखना है, तो उसी प्रकार से आपको कैप्टेंसी रख देना है। और बढ़िया यहाँ पे लोगों के राज्य की, यहाँ पे ओम को लोगों ने ज्यादा कैप्टन बनाया है, ठीक है, कोनी ओम को, तो कोनी ओम भी काफी बढ़िया ही खेलती हैं, तो आप रख लीजिए, यानी कि कैप्टेंसी दे सकते हैं। और जो कि टीचमस को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया था जिस प्रकार से आप कैरी चैन को यहाँ पे लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया कैप्टेंसी वाइस कैप्टन, बट आप रख लीजिए भाई क्योंकि यहाँ पे नजर ज्यादा रहेंगी, क्योंकि कैप्टन भी है ये बीएसएससी टीम के, तो आप रख सकती हैं, इनको रख सकते हैं, ठीक है।
काफी बढ़िया है, यहाँ खेलती हैं, बॉलिंग कराती हैं, तो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने बताया था। और जैसे कि और भी आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैंने मरियम बीबी को बताया था भाई, मरियम बीबी को आप अपने टीम पे सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरी टीम में, जो कि ले सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपको करना क्या है, वीडियोज़ को फिर से स्किप करना, थोड़ा पीछे जाना है, और सारा कुछ जिस प्रकार से मैंने बताया, रिपोर्ट न्यूज़ दी, तो उस प्रकार से आप टीम को रख लीजिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ओके। तो भाई यहाँ पे ओ को हम कैप्टन बना देंगे और वाइस कैप्टन जो कि टिटमस को बना देंगे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है यहाँ पे, और तो आपकी टीम इस प्रकार से बन जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई आप अपने स्किल के हिसाब से, जिस प्रकार से मैंने न्यूज़ दी, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं टीम को, बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको करना क्या है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टीम कुछ बन करके इस प्रकार तैयार हो जाएगी, होपफुली सारा कुछ आपको समझ आया होगा। तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दें, और मैंने अपना काम किया तो भाई आप अपना काम कर दीजिए, कॉमेंट्स कर दीजिए, और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दें, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो भाई और भी जो कि वीडियोस देखने के लिए ड्रीम इलेवन टीम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।